तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड है, या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कहीं पर भी, शॉर्टकट में समझिएगा, एक सिंगल बॉन्ड है, तो फिर वहां पर एक सिग्मा प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड है सर, तो वहां पर एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड भी है, ठीक। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करी जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, पाई बॉन्ड इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर पाई है तो इसका मतलब सिग्मा तो है ही, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। अब इसके सवाल हमसे क्या क्या पूछे गए हैं, तो सवालों पे अगर ध्यान लगाएं तो देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास अगर ये है CN2 होल ट्वाइस, तो इसके बारे में क्या करें। पी ब्लॉक में भी आपका टीचर आपको ये पढ़ा के भेजता है कि ये क्या होता है, ठीक। अभी तो यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग अगर आप देखोगे, CN ऐसे होगा और दूसरा CN ऐसे होगा। अब तो कुछ करना नहीं है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड में कितने हैं, एक सिग्मा दो पाई, अब रंग बदल लें इसका, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ठीक, और यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक सिग्मा। तो टोटल बॉन्ड्स कितने आ गए, तीन सिग्मा और चार पाई बॉन्ड्स, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया सिग्मा पाई का कंसेप्ट, ज़्यादा इसमें टाइम आपका नहीं लेंगे। एक सवाल और देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास है सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एक सी, फिर एक और ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और इधर सी एन। अब इसमें आपसे अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स मैं पूछूं, तो आपको कोई ज़्यादा होशियारी इसमें नहीं करनी। रंग कहाँ गया मेरा, रेड ले लेते, चलो ब्लू से करते। ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या होगा यहाँ पे, दो पाई एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर दो पाई एक सिग्मा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो फिर एक सिग्मा, यहाँ पर दो पाई एक सिग्मा, और यहाँ पर फाइनली एक सिग्मा। जोड़ घटाओ कर लिएगा, सिग्मा पाई आपको पता चल जाएंगे। अब हमारे प्री मेडिकल या जेई में कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या क्या थे इसमें। देखिए